डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस पे प्रेस करना पड़ेगा सब्सक्राइब के बटन पे, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बेल है इस पे आपको प्रेस करना है ताकि आप मेरी नई नई वीडियो देख सके, वो भी सबसे पहले। और उसके बाद आपको एक और काम करना है, मेरा पेज है फेसबुक एमा लिब्रा ब्यूटी सीक्रेट्स, उसको लाइक कीजिए ताकि आप मेरी मज़ीद इंफॉर्मेशन जान सके और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके वो भी ईजीली, और मेरी नई नई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके वीडियो के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आप वाइटनिंग मास्क कैसे बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। बहुत ही ईजी तरीका है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा बेसन, 2 टेबल स्पून बेसन हम लेंगे। बेसन जो होता है ये हमारी स्किन को लाइटनिंग बनाता है, डार्क स्किन जो होती है उसको लाइट करता है, हमारी रंगत को निखारता है, सो इसलिए मैंने इसे ऐड किया। उसके बाद हमें चाहिए होगा बीट रूट यानी चुकंदर। चुकंदर हमारी स्किन में गुलाबी सा निखार लाता है, इसलिए मैं इसको ऐड करने जा रही हूँ। अक्सर लोगों ने हमें बोला कि कोई ऐसी टिप बताए जिससे हम पिंक पिंकी हो जाए और गोरे गोरे, सो उनके लिए ये टिप है। उसके बाद डियर्स हमें चाहिए होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सो इसलिए मैंने इसे अपनी रेमेडी में ऐड किया है। 2 टेबल स्पून हम लेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा है, ये वाइटनिंग का एक बेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। हम इसको इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट एकदम से बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। इंस्टेंट ग्लोइंग के लिए यह मास्क इंशाल्लाह आपको एक दफ़ा में ही इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इसके बाद हमें चाहिए होगा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो होता है ये हमारी स्किन को निखारता है, बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन में जो होते हैं डेड सेल्स उन्हें रिमूव करता है, वाइटनिंग लाता है, ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, इसलिए मैं इसको इसमें यूज़ करने जा रही हूँ। मैंने रोज़ वाटर की स्प्रे कर ली है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको ब्रश की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ब्रश की मदद से, ये एक पिंक कलर का मास्क बन गया है जो कि हमारी स्किन में एक वाइटनिंग सा निखार लगा लाएगा। और अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है, जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप भी ऐसे अप्लाई कीजिएगा, इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं पहले खुद पे ये रेमेडी अप्लाई करती हूँ, फिर ही मैं आपको बताती हूँ कि आप यूज़ कीजिए अगर रिज़ल्ट मिलता है। सो डियर, अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी वीडियो देखे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए। सो डियर, ये देखिए मैंने अच्छे से इसको लेप कर लिया है अपने हाथों पर। आपने ऐसे ही इसे अपने फेस पे लेप कर लेना है ताकि आपको रिज़ल्ट मिल सके। हमने 15 मिनट तक इसे लगा रहने देना है। 15 मिनट होने के बाद हमने इसकी अच्छे से मसाज करने शुरू कर देनी है अपने फेस पे। हमने हल्के हाथों से मसाज करनी है ताकि एक अच्छा सा निखार आए हमारी स्किन में, जितने भी डेड सेल्स है वो रिमूव हो जाए, वाइट स्किन निकल आए, हमारे डैमेज जो स्किन है वो अच्छी हो जाए और वाइट निखर जाए, इससे हमारी जो होती है डस्ट निकल जाती है। अब हमने एक बॉल में पानी ले लिया है, पानी की मदद से हम इसकी मसाज करेंगे। हमने 5 मिनट तक इसकी मसाज करनी है, 10 मिनट तक हमने इसे रखना है और 5 मिनट इसकी मसाज करनी है, फिर हमने इसको वॉश कर लेना है। अब जैसे कि मैं मसाज कर रही हूँ आपने भी ऐसे ही मसाज करनी है। सो डियर, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आप देखिएगा। मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, आपने फेस पे भी ऐसे ही करना है, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब डियर मैं इसको वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद आपको खुद ही रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। सो डियर, मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से, 15 मिनट हो गए हैं, आप देखिए मेरे हाथों में एक चमक, ग्लोइंग और शाइन, कैसे मेरे हाथ शाइन करे हैं। ये मेरा दूसरा हैंड है जिसको मैंने फेशियल, ये जो मास्क है ये नहीं लगाया, फेशियल मास्क नहीं लगाया, ये मास्क है ये मैंने नहीं लगाया, इस हाथ पर मैंने मास्क लगाया था। आप देखिए इसमें शाइन और ग्लोइंग कितनी अच्छी है। सो डियर, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूँ आपकी एमा लिब्रा, सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।